अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। SaiYogNetwork.com is a team of dedicated devotees of Lord Sai Baba who has come forward to make this Kali Yuga as Sai Yuga. They have various network of blogs wherein recent experiences of devotees, history translations, spiritual ventures, divine discourses on Lord Sai Baba are shared and reached to masses around the globe. From 11 years, the service is being done via blogs and social media. Now they have entered this world of YouTube videos, specially for those who are unable to read write-ups shared. One can listen to experiences, translated stories, prayers, ventures, original bhajans, poems, quotes with beautiful pictures of Lord Sai Baba. Kindly subscribe to our channel and hit bell icon to get notification of our latest videos. Also like, share and comment to increase our encouragement. Devotedly presented by Sai Yoga Network team. Sai Baba ki. Om Sai Ram. Baba ne bhakt ko maut ke muh se bachaya. Sai bhakt Vinod ji ka anubhav. Sai Baba ke ananya bhakt और मेरे एक पारिवारिक मित्र विनोद जी साईं बाबा की समाधि के दर्शन के लिए 15 दिन पहले अर्थात मई 2008 के आखिरी सप्ताह में शिरडी गए थे। उन्हें डेढ़ महीने में 4 बार शिरडी जाने का मौका मिला। यह स्पष्ट रूप से उन पर साईं बाबा का आशीर्वाद दर्शाता है। इस विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिए मैं उनका व्यक्तिगत अनुभव आप सभी के साथ बांटती हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि उनके और निश्चित रूप से हमारे प्यारे श्री साई ने उन्हें मौत के मुंह से किस प्रकार से बचाया। मैंने इस घटना को सीधे उन्हीं से सुना है और आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। इसके साथ मैं एक अजीब वाक्य पर प्रकाश डालना चाहूंगी। मेरे पिताजी को इस घटना के एक दिन पहले सोते समय मन में आया, मरने वाले मरते नहीं, मरने वालों की मदद करते हैं। सुनाई पड़ा। इसका मतलब हम में से किसी को समझ में नहीं आया और हम थोड़ा डर गए, क्योंकि हमने इसे किसी की मौत का संकेत समझा। मुझे ये नहीं पता था कि इस वाक्य का आगे की घटना के साथ कोई संबंध है या नहीं। इसका निर्णय मैं पाठकों पर छोड़ती हूं। वह भक्त और उनके 3 दोस्त मुंबई से शिरडी गए थे और उन्हें साईं बाबा के काफी अच्छे दर्शन भी हुए। शिरडी से लौटते समय उनका दोस्त गाड़ी चला रहा था, जो कि नई गाड़ी थी। जब वह मित्र गाड़ी चलाकर थक गया तो उसने साई भक्त को कार चलाने के लिए कहा। इसलिए वे सब रास्ते पर ही रुक गए और कुछ समय के लिए आराम करने के लिए कार से बाहर निकल गए। इसी बीच एक छोटा सा ट्रक पीछे से पूरी तरह रफ्तार से आ रहा था और उस ट्रक से हमारी कार को थोड़ा धक्का लग गया, पर साई बाबा की कृपा से कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। सभी ने ट्रक के चालक को पकड़ा, जो कि पूरी तरह नशे में था। सभी दोस्त उस चालक को मारना चाहते थे, लेकिन मेरे मित्र ने उसे जाने देने का अनुरोध किया। उन सभी ने साईं बाबा को उसी समय उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि वही ट्रक एक पेड़ से टकराया हुआ था और शराबी चालक रास्ते में ही रक्त से लथपथ था। अब उसका नशा उतर चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था।
वे सभी समझ गए कि ड्राइवर को उसके कर्मों की सजा मिल गई है और सभी सुरक्षित रूप से अपने घरों तक पहुंच गए। अगर वे आराम करने के लिए थोड़ी देर नहीं रुकते तो सभी गहरी खाई में भी गिर सकते थे। लेकिन भगवान साई के भक्तों का ऐसा बुरा नहीं हो सकता है। ओम साई राम। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारे नवीनतम वीडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घंटी का आइकन दबाना न भूलें। ओम साई राम। Please visit our blog video.saiyognetwork.com. For experiences, please visit shirdisaibabaexperiences.org. For stories, please visit shirdisaibabastories.org. For bhajans, please visit shirdisaibabhajans.com. For our Hindi blog, please visit hindiblog.saiyognetwork.com. For submitting your experiences or prayers, please visit submit.saiyognetwork.com. For more details, please visit our website saiyognetwork.com. Please check, we have shared all links in comment sections here as well.